हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम होरे। अभी हम क्लास 10 का फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। अभी हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखते हैं। सीक्वेंस में दो चीजें, आपका एक उसकी डिफिनेट ऑर्डर होना चाहिए और डिफिनेट रूल होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना चाहिए या तो हमारा उसमें कोई पैटर्न बनना चाहिए, तो उसको हमने सीक्वेंस बोलते थे। सीक्वेंस के हमने अलग अलग क्वेश्चन भी देखे और अलग अलग टाइप से समझे भी हमने कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर इसके बाद आ गया हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि एपी क्या होता है। अब जितने सारे सीक्वेंस देखे थे उन सारे सीक्वेंस में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोला जाता है, हमने देखे थे किसके क्या होता है। किसी भी दो टर्म का आप अगर डिफरेंस कहीं से भी कर रहे हो तो आपका क्या आता था, सेम आता था। तो इसी तरह हमने बहुत सारे एग्जांपल लेके चेक करा और कुछ वर्ड प्रॉब्लम या डेली यूज होने वाले प्रॉब्लम में आपका हमने सॉल्व करे इसमें, और इसके बाद क्वेश्चंस इसमें ट्राई करा कि इसमें कौन सा जो सीक्वेंस ऐसा है जो एपी में है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या, उसका फर्स्ट टर्म क्या है। ये सारे चीज हमने देखा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। आज के दिन हम पढ़ने वाले हमें एन टर्म फाइंड करना है। जो हमने पीछे पढ़ा था उससे ही हमें सारा चीजें लिंक करके हमें एन एटम फाइंड करने हैं। तो पहले हमें देखते हैं कि हमने पीछे पढ़े थे, अगर कोई नंबर होता था उसको हमने क्या, कोई सीक्वेंस होता था तो उसको हम कैसे समझते थे। यहां देखना हमने अगर 3, 6, 9, 12 ऐसे करके जो हमारा एपी में सीक्वेंस है, तो इसको हम इसको पहला टर्म बोला जाता था, इसको दूसरा टर्म, इसको तीसरा टर्म, इसको चौथा टर्म, ऐसे करते करते एन टर्म बुला देते। ठीक है, तो आज हम यहां पढ़ने वाले हैं, कुछ हम लेट मान लेंगे जो हमने डिफाइन करने वाले हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा। हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस माना हमने डी। अगर कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म बताया और कॉमन डिफरेंस बताया तो आप उसके हिसाब से नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखना ध्यान से कि अगर हमने पहले टर्म क्या कर रहे हैं, हमने ये जो हमारा आया कि A1 पहला टर्म हो जाएगा, ऐसे A2 दूसरा टर्म हो जाएगा, A3 तीसरा टर्म हो जाएगा, ऐसे करके हमारा तीसरा टर्म, फिर इसके बाद चौथा टर्म, फिर करते करते क्या हो जाएगा, ऐसे करके हमने एन टर्म मान लिया हमारे पास। ये किसमें है, एपी में, और एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा। अच्छा, पहला टर्म होगा तो इसको हमने ए, और दूसरा टर्म ए में डी ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, क्योंकि इसमें सेपरेट करो इस वाले टर्म को, फिर सेम मिलना चाहिए। फिर इसमें डी ऐड कर दो, ए प्लस 2D, फिर इसमें डी ऐड कर दो, ए प्लस 3D, ऐसे करते 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 हमने एन टर्म तक जाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1D। ये जो पहला टर्म था, थोड़ा एनालिसिस करते हैं हमें कि जो पहला टर्म था वो किसके बराबर आया, ए के बराबर। क्या यहां पर इसमें डी था, डी नहीं था, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस 1, ये डी रहा होगा जो पहला टर्म होता है उसमें से। इसका मतलब डी का यहां जीरो होगा, जो डी के साथ कोएफिशिएंट आने वाला है वो जीरो होगा। ऐसे ए टू वाला ले लेते हैं तो इससे एक कम होगा, तो ए प्लस क्या लिख सकते हैं यहां पर 2 माइनस 1 डी, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब यहां पर एक इससे कम चल रहा है, जहां 2 है तो 2 माइनस 1 डी करोगे तभी क्या आएगा, यहां 1D आएगा आपका। ठीक है, A3 करोगे, A3 A प्लस क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 डी, ऐसे A4 करोगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 डी। ठीक है, ये तो आ गए। अब ऐसे करते करते हमने कहां तक जाने वाले, ऐसे करते करते हमने कि ए एन तक जाने वाले। अब देखो ध्यान से कि जब यहां 1 था तो यहां डी क्या हो रहा है, डी का कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, यहां पर 2 है तो उसका कोएफिशिएंट 1 कम हो रहा है, यहां पर ये कम, मतलब यहां से 1 कम चल रहा है डी के साथ कोएफिशिएंट, इसका मतलब ए एन है, तो एन की वैल्यू में से 1 कम करना तभी जो डी का कोएफिशिएंट मिलेगा आपका एन माइनस 1 डी, जो ये बना हमारा, इसी को हम बोलते हैं एन एटम। इसी को एन एटम बोला जाता है, इसी को जनरल टर्म बोला जाता है, इसी को लास्ट टर्म बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हो गए। तो जो एपी है, एपी से देख के हमने निकाला कि एक एन एटम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एन एटम का फॉर्मूले का ही बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, ये आपका प्रूव वगैरह करने के लिए नहीं पूछा जाएगा कहीं पर, लेकिन इस फॉर्मूले का
तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम एक एक चीजों को समझते हैं कि इसमें फॉर्मूले में जो एन एन को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको फटाफट आप नोट करिए, इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला आया क्या था, फॉर्मूला जो आया था वो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब ए एन को ही क्या बोला जाता है, ए एन को हमने जनरल टर्म बोला जाता है, ठीक है, इसी को जनरल टर्म बोला जाता है, इसी को हमने क्या बोलते हैं, इसी को एन टर्म बोलते हैं, इसी को हम क्या और बोलते हैं, इसी को हमने लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब ए एन को तीन एन टर्म बोला जाए, जनरल टर्म बोला जाए या लास्ट टर्म बोला जाए तो सेम ही आपका। ठीक है, अब इसके बाद ए को क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी क्या है, डी जो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म, एन जो है नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें पता चल गया, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या कराया जाता है, ये हमारा एन का फॉर्मूला था, एन का फॉर्मूला अगर आपको पता चल गया तो इससे हमने बहुत सारी चीजें, अब हमें क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हम देखेंगे अलग अलग तरीके से भी सॉल्व करना, बट हमें ए एन को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म या एन टर्म या लास्ट टर्म बोला जाता है, ए को क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। और हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीख रखा है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, किसी भी बड़े टर्म मतलब ए टू में से ए वन को माइनस कर लो तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है, या ए थ्री में से ए टू को माइनस कर लो उससे जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करा जाता है, तो इसके ए फोर में से अगर ए थ्री को माइनस कर लेते हो तो ऐसे करते करते हमने क्या बोल देते हैं, जो इक्वल आने वाला है वो किसके आ जाएगा, ए एन माइनस ए एन माइनस वन के बराबर आने वाला है ए डी। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हमने बोला किसी को लास्ट टर्म बोलते हैं, तो लास्ट टर्म जो होता है लाल, ये एन को हमने कभी कभी एल से भी रिप्रेजेंट कराया जाता है, तो यहां पर भी एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये भी फॉर्मूला अगर कहीं पर है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, अरे ये फॉर्मूला है तो इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना आपको। तो चलिए ठीक है, ये आपका हो गया, अभी हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग नोट करिए, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एन टर्म एंड 16 टर्म एक सीक्वेंस दिया हुआ जो एपी में, हमारे पास एक एपी में सीक्वेंस है, जो हमारे पास क्या है वो एपी में सीक्वेंस दिया हुआ 3, 5, 7, 9 और 11, ये किसमें है, ये एपी में है, एपी में होगा, इसका मतलब इसका हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस हमने क्या करे, ए टू में से ए वन को माइनस कर लो तब भी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, या किसी भी दो टर्म के एपी में है तो हर जगह तो सेम ही आएगा, ये आ जाएगा किसके बराबर, आ गया कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया पहले 16 टर्म निकालते हैं फिर इसके बाद एन टर्म निकाल लेते हैं, या एन टर्म पहले निकाल लेते हैं, एन टर्म निकालना है तो इसका मतलब एन एन के बराबर है। चलिए, अभी हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये था, तो ए की वैल्यू बताइए क्या है, इसमें ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3 है प्लस एन की वैल्यू एन है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2 है, तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, तो यहां से आप सॉल्व करो तो 2n प्लस 1 ये बना हमारा एक n टर्म, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म में आ गया आपका। अगर हमें किसी भी टर्म को फाइंड करना है, जनरल टर्म अगर हमें पता है तो उससे हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं,
अगर 16 टर्म निकालना है तो इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालना क्या था, ये 16 निकालना था, ये 16 निकालना है, यहां से n की वैल्यू आ जाएगा 16 के बराबर। तो इसमें बस पुट कर दो, तो a की जगह हमने क्या है n की जगह 16 पुट करते हैं, तो आ जाएगा किसका 2 × 16 + 1 कितना आ जाएगा, ये 32 + 1 करोगे किसके बराबर आ जाएगा 33 के बराबर। ये 16 किसके बराबर आ गया, 33 के बराबर आ गया। देखो कितना मजा आ रहा है, बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह सेम दिया हुआ, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसमें देखते हैं आप लोगों का और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सीक्वेंस दिया हुआ, उसमें से n एटम और 12 एटम फाइंड करना, हमें जो पहले फाइंड करना है वो an की वैल्यू निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, ये 12 एटम निकालना है। अभी दोनों को निकालना है, तो ap में क्या दिया हुआ, 14, 9, 4, −1, −6 ये किसमें है, एपी में, किसमें, एपी में। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आएगा हमारे पास 14, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम किसी भी टर्म में से माइनस कर ले, a2 − a1 कर लेते हैं, तो a2 की वैल्यू है 9, 9 में से हमने 14 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 − 14 बताइए कितना आएगा, ये तो यहां से आ जाएगा आपका −5 क्योंकि ये देखो ये तो AP में क्या है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, जिसका मतलब इसका D जो आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये मत रखना 14 में से इसको नहीं, A1 में से A2 नहीं माइनस करा, A2 में से मतलब बड़े टर्म में से, बड़ा टर्म मतलब A2 है और इसमें से A1 को माइनस करा, ठीक है। चाहे वो उसका वैल्यू क्या छोटा भी हो कोई दिक्कत नहीं, A2 की वैल्यू छोटा भी हो सकता है लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका हमेशा A2 में से A1 माइनस करना है। तो ए और डी पता चल गया, हमें ए एन टर्म निकालना है, एन की वैल्यू यहां बताइए, ए एन निकालना है तो एन की वैल्यू तो एन ही होगा, एन बराबर एन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n − 1d ये बन गया। तो बताइए इसमें हम क्या करने वाले हैं, ए की वैल्यू पुट करिए प्लस एन की वैल्यू तो एन है माइनस वन, डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू आया −5, ठीक है, यह आ जाएगा 14 और −5 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो गया −5n और यहाँ जाएगा −- का +5, तो इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, −5n और +14 करोगे तो आ जाएगा 19। तो यहां से an की वैल्यू आ गया, तो n टर्म हमने निकाल लिया, वो आ गया कितना, −5n +19। अब यहां हमने क्या, हमें निकालना है ये 12 टर्म, मतलब n के जगह पर क्या पुट कर दिया गया, 12, n के जगह पर क्या पुट है, 12 है, यहां पर −5 × 12 + 19 इसको करोगे तो −60 और +19 प्लस माइनस का माइनस होता है, अब 60 में से 19 माइनस करिए तो बताइए कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा −39 −41 आएगा, गलत लिख दिया मैंने, यहां से आ जाएगा आपका 41 −41। तो ए 12 की वैल्यू मिल गया और हमें एन टर्म मिल गया, बिल्कुल सेम पीछे तरह क्वेश्चन था और मजा भी आ रहा होगा करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर जब रहेगा ना आपको बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा आपका, मैथ फील करके पढ़ोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे और मैं बता रहा हूं आप ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, मतलब जितना भी आपका ये 2-3-4 पार्ट में हम एन टर्म के क्वेश्चन लेके आएंगे, 3 पार्ट का सम होगा, तो RS अग्रवाल NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे से मर्ज करके क्वेश्चन बनाए गए आपके, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी करोगे प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसमें दिया हुआ हमें 105 टर्म फाइंड करना है, हमें एक एपी में सीक्वेंस दिया हुआ, ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है कि जो 105 ये वाला टर्म फाइंड करना है, अभी वाला टर्म फाइंड करना है, तो हमें पहले एपी क्या दिया, 4, 4 1/2, 5, 5 whole sum upon 1/2 and 6 ऐसे एक एपी में, एपी में ये हमारा है,
ठीक है, एपी में होगा तो ये कौन सा टर्म होगा, ये ए वन होगा, ये ए टू होगा, ए थ्री होगा, ये फोर होगा, ऐसे करके ए फाइव होगा। तो हमें पहला टर्म चाहिए, पहला टर्म क्या है फोर, और डी निकालना है। तो डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू कितना है, ए टू की वैल्यू देखो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है, तो फोर का मल्टीप्लाई टू का मल्टीप्लाई फोर में करोगे एट, एट के साथ वन प्लस कर दोगे तो नाइन अपॉन में टू, फिर इसके साथ माइनस कर लेना है हमें ए वन टर्म, ए वन टर्म है फोर, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा टू और वन का एलसीएम टू होगा, तो नाइन अपॉन में टू माइनस फोर अपॉन में वन, इसमें हमने टू का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी टू का मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन अपॉन में टू माइनस एट अपॉन में टू, ये आ गया वन अपॉन में टू, जो डी आया वन अपॉन में टू। अब हमें फाइंड क्या करना है, 105 यहां से देख के पता चल रहा है कि जो n की वैल्यू आने वाला है, n की वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, n की वैल्यू 105 है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो यहां से हमें सारी वैल्यू पता चल गया, 105 निकालना है तो इसका मतलब a की वैल्यू कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 4 है प्लस n की वैल्यू है 105 और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू जो आपका आया 1/2 आया, कितना आया 1/2 आया। तो चलिए इसको हमने 4 प्लस इसमें करोगे 104 मल्टीप्लाई 1/2, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, 4 प्लस 5 52, इसको सम करिए ये आ जाएगा 56। जो 10 टर्म रहा होगा, 105 टर्म रहा होगा, 105 टर्म रहा होगा, वो किसके बराबर रहा होगा, वो 52 के बराबर रहा होगा, यही हमें फाइंड करना था। देखो आसानी से एकदम सारे समझ में आते जा रहे हैं और निकलते भी जा रहे हैं, सब मजा भी आ रहा होगा आपको करने में, ठीक है। तो चलिए इसको भी फटाफट आप नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ द एनए टर्म ऑफ एन एपी इज, एक हमें जनरल टर्म दे दिया, उस जनरल टर्म का देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और 19 टर्म निकाल के बताइए, ठीक है। 19 टर्म निकालना तो बहुत आसान है आपका, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको दो तीन टर्म की जरूरत पड़ेगा, दो टर्म तो चाहिए चाहिए आपका कम से कम, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो एन टर्म बोला हुआ, जिसका मतलब एन टर्म को ए एन बोलते हैं, ये हमारे दिया हुआ 5n-2, ये हमें गिवन में है। और इसके बाद पूछा क्या गया, पूछा गया हमें d की वैल्यू बताइए, और क्या पूछा गया इसमें, ये बताया कि 19 टर्म बताइए, ये निकालना है, ठीक है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है जब भी हमें कोई जनरल टर्म पता है, जनरल टर्म मतलब कि n के टर्म में, ठीक है, n के टर्म में रहेगा तो हमारा इसमें पहला टर्म निकाल सकते हो, पहला टर्म मतलब n की वैल्यू क्या प्रूव कर रहे हो, 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1-2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5-2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे a2 टर्म निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 2-2 तो 10-2 करोगे किसके बराबर आ जाएगा, 8। a3 टर्म निकालना है तो 5-3-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15-2 किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 13। अब आपको देख के पता चल गया होगा ऐसे चलता जा रहा आपका बहुत सारे टर्म, तो हमें जो एपी में मिला वो 3 में अगर 5 ऐड करोगे तब क्या मिलेगा, 8 में 5 ऐड करोगे तो 13 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 13 मिल जाएगा, और 13 में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा। ऐसे करके हमें क्या एपी एक बना लिया हमने। अब एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये तुम्हारा पहला टर्म है, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, किसी भी बड़े टर्म से हमें छोटे टर्म को माइनस कर दें, हमने ये करने वाले d निकालना है तो a2-a1, a2 की वैल्यू 8 है और a1 की वैल्यू 3 है, इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5 आ गया। तो हमने d निकाल लिया और हमें 19 टर्म निकालना है, तो 19 टर्म मतलब क्या हो गया, इसी में n की जगह अगर 19 पुट कर दे तो हमारा कौन सा टर्म आ जाएगा, 19 टर्म आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 19-2, ये कितना आ जाएगा 95-2 आ जाएगा ये 93। ये है हमारा, देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ और बिल्कुल मजा भी आएगा करने में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करिए।
ठीक है, अब आगे भी आ गया हमारा, इसमें दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ द सेवन टर्म ऑफ एपी इज 1/9 इट्स 9th टर्म इज 1/7 मतलब 7 टर्म दिया हुआ हमें 1/9 बराबर है और जो इसका 9 टर्म है 1/7 के बराबर है, तो बताइए 63 टर्म क्या आएगा, 63 टर्म क्या आने वाला है। तो पहले जो दिया हुआ उसके हिसाब से हम तो बनाते हैं, पहले गिवन में क्या दिया हुआ, क्या पूछा जा रहा है, ये बोला गया 7 टर्म का मतलब आपसे पूछा गया है किसका 7 टर्म क्या आने वाला है। एक मिनट, ये तो दिखेगा नहीं, इसको लेते हैं। तो ये 7 टर्म, ये 7 दिया हुआ किसके बराबर दिया हुआ, वो बोल रहा है कि 1/9 के बराबर दिया हुआ। तो ये 7 टर्म अभी हमने देखे थे जो स्टार्टिंग में कि जो A1 टर्म होता है A के बराबर होता है, A2 टर्म क्या होता है A+B होता है, यहाँ D होता नहीं है, 0 होता है, A3 टर्म क्या होता है इससे एक कम हो जाएगा A+2D हो जाएगा। अगर ये 7 है तो क्या लिख सकते हो, A+6D इक्वल टू कितना आ गया 1/9, ठीक है, या तो आप An का फॉर्मूला लगा लो वहां से भी आ जाएगा आपका टर्म, ठीक है। तो ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा क्या दिया हुआ इसमें, इसका 9 टर्म मतलब A9 दिया हुआ किसके बराबर, ये हमें दिया हुआ 1/7 के बराबर दिया हुआ। तो इससे हम क्या सॉल्व करके आ सकता है, A+ क्या हो जाएगा 8D इक्वल टू किसके हो गया 1/7 के, ये बना हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, तो यहां क्या आ जाएगा A+6D इक्वल टू 1/9 और नीचे क्या है A+8D इक्वल किसके है 1/7। इन दोनों को सॉल्व करना है, फर्स्ट इक्वेशन है और नीचे वाला आपका सेकेंड इक्वेशन है। अगर दोनों को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने 2 मिनट पढ़ा, अगर दो वेरिएबल को सॉल्व करना है, इस 2 से 3 होते हैं आपका, लेकिन अभी 2 मिनट आपका एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से बहुत सारे बच्चों के एलिमिनेशन पसंद आता है, किसी को सब्स्टिट्यूशन आता है, तो यहाँ एलिमिनेशन ज्यादा आसान पड़ेगा। अब क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो किसी भी जो दो वेरिएबल ए और डी के वैल्यू निकालना है, तो ए का दोनों जगह कोएफिशिएंट सेम मिला लेकिन डी का नहीं मिला, तो ए को हटा दो आपका डी की वैल्यू आ जाएगा, ऐसे डी को हटा दोगे ए की वैल्यू आ जाएगा आपका, लेकिन हमें ए को हटाना ज्यादा आसान है, तो ए का दोनों जगह कोएफिशिएंट सेम है और दोनों साइन सेम है, इसका मतलब हमने फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करने वाले हैं, सेकेंड को माइनस कर दिया, ए माइनस हो गया, ए माइनस हो गया, ए माइनस हो गया। अब इसका मतलब ये तो सेम से सेम का माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, अब 6D में से -8D मतलब -2D आ गया और इधर क्या हो जाएगा 1/9 में से 1/7, 1/9 में से 1/7, तो -2D जो बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते, क्या 9 के टेबल में 7 आता है, नहीं 7 के टेबल में 9 नहीं आता, जिसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनने वाला, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और यहां पर 9 का कर लीजिए और नीचे आ जाएगा 63। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2D इक्वल टू कितना आ गया -2/63, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू 1/63, ये आया D की वैल्यू। अब D की वैल्यू आ गया तो A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो A की वैल्यू निकाल लीजिए, अब A की वैल्यू निकालना है तो हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो जो D की वैल्यू आया D इक्वल टू 1/63 वो हम पुट कर देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर पहले इक्वेशन हमें पुट करना है तो यहां से A+6 × 1/63 इक्वल टू 1/9 आ गया, हमने D की वैल्यू निकाला था, अब इससे कुछ कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर लेते हैं, ये आपका 3 के टेबल से 3 2 जा और 3 2 जा 6 3 1 जा 3 आ गया हमारा A, ये +2/21 इधर 1/9 उसको उधर लेके जाइए, तो 1/9 -2/21। अब इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का एलसीएम फिर कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम जो होगा आपका, अगर नहीं आता तो आप तो निकाल लिया करो ऐसे, 9 के टेबल में 21 नहीं आता, 9 और 21 हम इसको क्या करने वाले, 3 से डिवाइड, 3 3 जा 3 7 जा होगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे फिर इसका 63 एलसीएम आने वाला था, हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए था, वहीं से यह आ जाएगा आपका 1 और यहां आ जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 1 आ गया,
तो ये दो इन तीनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आने वाला है, ये 63, तो यहां पर भी आपका 63 बनेगा। हम यही करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं जो हमारा पहले था इसको, ठीक सीधे वैल्यू प्रूव करते हैं। ए की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन प्रूव करा था, ए प्लस 6 अपॉन में 63 वन अपॉन में 9, उसको उधर लेके जाइए ए, तो 1 अपॉन में 9 माइनस 6 अपॉन में 63। अब यहां हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 बनेगा 7 से, एलसीएम तो दोनों का 63 है, तो 7 माइनस 6 अपॉन में 63, मतलब 1 अपॉन में 63 इसका भी, ए और डी दोनों की वैल्यू आ गया 1 अपॉन में 63। अब ए और डी पता चल गया तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमें टर्म कौन सा निकालना था, हमें जो टर्म फाइंड करना था वो हमारा टर्म था ए 60 टर्म, ये हमें फाइंड करना था ए 63। इसका मतलब एन की वैल्यू कितना है 63, तो ए की वैल्यू भी आया था हमारे पास 63। फॉर्मूला क्या होता है एन की वैल्यू, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला अगर देखा जाए आपका तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हमें फाइंड क्या करना है, ए 63 फाइंड करना है, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 अपॉन में 63 प्लस एन की वैल्यू भी 63 माइनस 1 और नीचे क्या आपका मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 63। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो यहां ऊपर क्या आया, ये दोनों का एलसीएम हमने लगा लिया 63, इधर 1 है और 63 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 62, अब आ गया 63 अपॉन में 63, इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 63 टर्म रहा क्या होगा 1 रहा होगा, क्या रहा होगा 1 रहा होगा, यही फाइंड करना था हमें। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। ये वाला अब देखो इसमें दिया है सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, 4 टर्म को और 8 टर्म को हमने अगर सम करते हैं तो किसके बराबर आता है 24 बराबर, और सम ऑफ इट्स 6 टर्म मतलब उसी सीक्वेंस का 6 टर्म और 10 टर्म का सम करते हैं तो 44 आता है। तो बताइए फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे उनके, a1 a2 a3 क्या होंगे, इसका मतलब हमें a और d पहले फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसके हिसाब से हम एक एक चीजें लिखते जाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि जो 4 टर्म और 8 टर्म a4 प्लस a8 ये बराबर किसके है, ये हमारा है जो 24 के बराबर है। अब इसको लिख क्या सकते हैं, अभी मैंने बताया था जितना होगा उसका d के साथ 1 कम होगा, इसका मतलब 3d हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 7d हो जाएगा इक्वल टू 24 हो गया। अब a ऐड करिए तो 2a प्लस यहाँ पर 3 और इनको ऐड करेंगे 10d, ये बराबर हो गया 24 के। यहां से 2 कॉमन कर लीजिए a प्लस 5d इक्वल टू, ये 2 कॉमन हो गया, 2 को कॉमन कर लिया तो यहां आ जाएगा 24। अब 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 5d इक्वल टू, इधर डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, ये पहला इक्वेशन बन गया। ऐसे हमें सेकेंड कंडीशन पढ़ना है कि जब सम करा जा रहा है 6 और 10 टर्म का, 6 टर्म प्लस किसको कर रहे हैं 10 टर्म को, तो किसके बराबर आ रहा है 44 के, तो इसको क्या लिखा जा सकता है a प्लस 5d प्लस यहां क्या लिखा जा सकता है a प्लस कितना हो जाएगा 9d इक्वल टू 44। तो इसको सॉल्व करिए 2a प्लस कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 करोगे तो हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। अब यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को कॉमन करिए, अगर 2 कॉमन होगा तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा a और यहां पर बचेगा 7 प्लस 7d, ये आ जाएंगे 44 के, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए a प्लस 7d इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे 22 आ जाएगा, जो a प्लस 7d बराबर किसके हो गया 22 के। अब ये 22 के बराबर आए, सेकेंड इक्वेशन बना लिया हमने, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालना था। फर्स्ट इक्वेशन आपको आया क्या था a प्लस क्या था 5d इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन था आपका। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो फिर एलिमिनेशन लगाओ, तो इसका मतलब सेकेंड में से पहले को माइनस करोगे या पहले में से सेकेंड को माइनस करो, किधर से भी करो आपको कोई दिक्कत नहीं,
इसको माइनस करो, इसका साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपका जीरो आ गया, इधर 2d और इधर हो जाएगा आपका 10, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल करोगे तो 5 आ गया, आया क्या 5। अब d की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं, इक्वेशन 1 नीचे है, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस ये 25 है, 25 उधर भेजोगे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू किसके बराबर आ गया 25 माइनस करोगे तो a की वैल्यू आ गया -13, a की वैल्यू -13 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने के लिए जिसको हमने a बोलते थे ये ही होता है, तो a आया -13 पहला हो गया a1 टर्म, फिर ऐसे a2 को हमने बोलते हैं a प्लस d, तो a की वैल्यू कितना है -13 प्लस d की वैल्यू कितना आया था 5, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाता है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू हो गया -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 5, और इसको सॉल्व करिए -13 प्लस 10 ये बराबर हो जाएगा -3, तो a1 a2 a3 ये टर्म जो पता चले कितना हो गया -13 -8 -3, ये बन गया आपका एक थ्री टर्म जो हमें फाइंड करना था। दो कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सीख लिया, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन उसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसे करते हैं हमने 2 या 3 पार्ट में हमें इसको खत्म कर देंगे सारा, और सारे वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है वो बिल्कुल ईजी चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।